अब मैं सुन पा रही हूँ। राइट, सो आई कम टू टुवर्ड द रिसर्च पार्ट ऑफ यू कि आपको रिसर्च में भी महारत हासिल है, तो आप बताएं कि यूथ को किस तरह रिसर्च कैपेबिलिटी डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि आजकल की यूथ ज़्यादा रिसर्च नहीं करती। इवन अगर मैं छोटी सी ये एग्जांपल कोट करूं कि अगर फेसबुक पे एक न्यूज़ आ गई है और चाहे वो फेक है या ओरिजिनल है, तो हमारी यूथ उसको रिसर्च नहीं करती कि उसका ज़राए पता कर लें कि वो सही है या नहीं है। तो हाउ यू आइडेंटिफाई कि क्या कैपेबिलिटी डेवलप करनी चाहिए? ठीक है, अच्छा देखें, मैं जो काम करती रही हूँ बेसिकली कंज्यूमर रिसर्च करती रही हूँ। बाय कंज्यूमर रिसर्च आई मीन के आप कंज्यूमर हैं, आप इंटरनेट कंज्यूमर हैं, आप किसी प्रोडक्ट के कंज्यूमर हैं, आप लाइट के, पंखे के, इंटरनेट के, किसी टूथपेस्ट के या किसी सोप के कंज्यूमर हैं, और आपके बिहेवियर क्या है टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट। ठीक है, आप इंटरनेट कब से कब दौरानिए में इस्तेमाल करते हैं, अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंसिस्टेंटली करते हैं या ब्रेक्स में करते हैं, फिर कौन सा कंटेंट देखते हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपकी पर्सोनिफिकेशन करूँ, आइडेंटिफाई करूँ, और फिर आपसे अपनी किसी जो मुझे लग रहा है कि मैंने ये प्रोडक्ट टेस्ट करना है या मैंने कोई नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है, तो उस सारे सवालों के बीच में मैं एक या दो ऐसे सवाल भी डालती हूँ जिससे मुझे आइडिया हो जाए कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं टुवर्ड्स गोइंग टू अ न्यू प्रोडक्ट और अ न्यू प्लेटफॉर्म। और अगर मैं उसको पे करने लगूँ, मतलब उसके ऊपर कोई प्राइस प्रीमियम ऐड करूँ, तो क्या आप उसके लिए पे करने में विलिंग होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, अब जो आप बात करें ना वो है फेक न्यूज और यू नो मैन्यूपुलेटेड कंटेंट जो इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ होता है और लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर जनरेशन के कुछ ट्रेड्स होते हैं, मिलीनियल्स के कुछ ट्रेड्स थे, जनरेशन जी के कुछ ट्रेड्स हैं, और कॉन्टेंट की बम्बार्डमेंट है। जो अगली जनरेशन आ रही है इसको हर चीज इतना कंटेंट इतना वाफिर मकदार के अंदर मिलेगा कि इनके लिए ये एब्जॉर्ब करना मुश्किल होगा कि क्या ये कंटेंट इनके लिए रेलेवेंट है भी या नहीं है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, सोशल मीडियम्स के अलावा अब टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसपे हर बंदा, एवरी पर्सन हु इज सब्सक्राइब टू टिकटॉक इज बेसिकली अ कंटेंट प्रोवाइडर। ठीक है, उसके अपने चैनल्स हैं। अब आप मीडिया के 100-150 चैनल्स के अलावा आपको टिकटॉक के मल्टीपल चैनल्स मिलेंगे, हर बंदा एक चैनल चला रहा है, उसके अंदर डिफरेंट तरह की वीडियोज हैं, कंटेंट है, ट्यूटोरियल्स हैं, एंटरटेनमेंट है, लाइफस्टाइल के बारे में कुछ चीजें हैं, तो एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, आप देखें, मिस इन्फॉर्मेशन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन यस कमेंडेबल है, मतलब जाहिर है वो तो आप उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के जरिए जाके उसको रिपोर्ट करें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जैसे मैं टिकटॉक की भी एग्जाम्पल लूँ, देखें जो यूजर है ना जिसने कॉन्टेंट बनाना है, जिसने क्वालिटी कॉन्टेंट बनाना है, वो दो तीन चीजों के ऊपर बड़ी रिसर्च करता है, अभी भी करता है। क्या चीजें होती हैं, ट्रेंड क्या चल रहे हैं, हैशटैग्स क्या चल रहे हैं, आप देखेंगे बेतहाशा हैशटैग टैग्स हुए हुए होते हैं और वो इररेलेवेंट नहीं होते, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े रेलेवेंट होते हैं। कौन सी चीज कहाँ पोस्ट करनी है, किस तरह से रीट्वीट करनी है, कहाँ पर हाइपरलिंक करने हैं, किसको क्रेडिट्स देने हैं, किसको क्रेडिट नहीं देने, ये नॉलेज है। और ये नॉलेज कैसे आती है, ये रिसर्च करके ही आती है। रिसर्च कब होती है, आप दूसरे रेफरल से पूछते हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ गेट अलॉन्ग करते हैं, आप उनसे उनकी ट्रिक्स पूछते हैं, फिर आप जाके कुछ रैंडम यू नो स्टडी करते हैं। मैं एक स्टोरी बताऊंगी कि वो एक एक हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे और एक ड्राइवर थे, तो आम सादा सा बंदा था वो, और उसने टिकटॉक की वो वीडियोस बना रहा, ड्राइव करते हुए वीडियोस बना रहा, तो वैसे ही गपशप शुरू हो गई। उससे पूछा तो उसने कहा जी मैंने कोलैब किया है, कोलैबोरेशन भी नहीं, वो एक कोलैब की टर्म यूज कर रहा था, जी मैंने फलाने टिकटॉक इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब किया है और मेरे इतने फॉलोवर हो जाएंगे, उसके ऊपर इतनी हिट्स हो जाएंगे और इतने क्लिक्स हो जाएंगे, तो उसके बाद मुझे पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, तो इतने पैसे मिलेंगे उसमें उसका शेयर ये होगा और इसका शेयर ये होगा। आई थिंक अगर किसी ने एक आम लेमैन जो कि उसको शायद पता ही नहीं है किसी भी चीज का, और अब उसको अगर इतना पता लग गया है थोड़ी बहुत रिसर्च के थ्रू कि यू नो वो कैसे पैसे कमा सकता है इस मीडियम से, या कैसे छोटा छोटा कंटेंट क्रिएट करके और एक दिन एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकता है अपने लिए, तो आई थिंक ये रिसर्च के कुछ बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आई थिंक वहाँ पर लिटरेसी का बड़ा रोल होता है। आप रिसर्च इज नॉट जस्ट यू नो आपने गूगल पर जाके टैग सर्च किया और आपको समझ आ गई। माइंड रीडिंग, कंज्यूमर रीडिंग एक पूरी साइंस है। ठीक है, आप वो मैं और आप बैठ के किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर बात कर लें, इससे कतई इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमने रिसर्च कर ली।
ये एक डायनामिक है, एक टूथपेस्ट को इस्तेमाल करने वाले 100-200 लोग हैं, 100-200 लोग डिफरेंट बिहेवियर्स के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई थोड़ा इस्तेमाल करता है, कोई ज्यादा इस्तेमाल करता है, कोई रगड़ता ज्यादा है, कोई यू नो सॉफ्टली दांत ब्रश करता है, कोई दिन में करता है, कोई रात में करता है, कोई दिन में मल्टीपल टाइम करता है, किसी को टूथपेस्ट में फ्लेवर चाहिए, किसी को टूथपेस्ट में फ्लेवर नहीं चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पर्सन टू पर्सन जो प्रोडक्ट की कंजम्पशन होती है वो बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। इंटरनेट आप किसी तरह इस्तेमाल करते होंगे, मैं किसी तरह इस्तेमाल करती हूँ। तो रिसर्च जितनी एक्सटेंसिव हो, जितनी स्ट्रक्चर्ड हो, उतनी ज्यादा अच्छी होती है, और क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव दोनों होना बहुत जरूरी है। हाँ, आजकल लोगों को नहीं पता, स्टूडेंट्स को यूजली नहीं पता होता, इवन ग्रेजुएट्स को नहीं पता होता, लेकिन आई थिंक आपको एक प्रॉपर साइकिल से गो थ्रू करना बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ स्टडीज में ना बहुत ज्यादा फोकस होता है टुवर्ड्स एकेडेमिक रिसर्च, हम थीसिस, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, प्लानिंग, और वो आप देखेंगे बहुत सारे फाइनल प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज में वो फोल्ड हुए हुए, मल्टीपल कॉपीज बनी हुई और सिर्फ वहां तक पड़े होते हैं, बिकॉज वो इतनी एकेडेमिक फोकस्ड के साथ वो बनी हुई होती हैं। तो अगर आप उसको थोड़ा सा इंडस्ट्रियल परस्पेक्टिव से देख लें कि जो वो रिसर्च करने जा रहे हैं क्या वो इंडस्ट्री में अप्लाई हो सकती है, क्या वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो सकती है ये नहीं, तो शायद ये जो रिसर्च का फोकस है ये भी चेंज हो जाए और लोग शायद थोड़ी और ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड काम करना शुरू हो जाए।